हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सेंट्रीविच, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएन स्टडी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि गवर्नर क्या होता है। अब हमारा जो इंजन है, हम स्टीम इंजन की बात करते हैं जो बड़ी बड़ी शिप्स में यूज होता है। जब हमारे इंजन पर लोड बढ़ता है तो जो इंजन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और जब इंजन पर लोड कम हो जाता है तो इंजन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि स्पीड में फ्लक्चुएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को खत्म करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, दैट इज गवर्नर। गवर्नर क्या करता है? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, फ्लक्चुएशन मीन्स जब इंजन पर लोड बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाती है, जब लोड कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड का बढ़ना और स्पीड का कम होना अकॉर्डिंग टू लोड, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं गवर्नर। गवर्नर का मेन मकसद यही है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को खत्म करना। तो आज हम वर्किंग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की। अब एक आपको 2D डायग्राम बना के दिखाएंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की और वो काम किस तरह करता है। अब इसमें गवर्नर के मेन पार्ट के, सबसे पहले ये जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज स्पिंडल। ये हमारे लिंक्स है, इसको हम बोलते हैं आर्म्स। ये हमारी फ्लाई बॉल्स है, दिस वन इज स्लीव। और ये हमारे लास्ट में क्या लग रहे हैं? बेवल गियर्स। बेवल गियर्स का क्या प्रॉब्लम है? जब हमें किसी एंगल पर, मोस्टली 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करनी है, तब हम बेवल गियर यूज करते हैं। ये हमारा लगा थ्रोटल वॉल्व। थ्रोटल वॉल्व का क्या काम है? जो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, कितना फ्यूल इंजन को भेजना है, कितना नहीं भेजना, वो सारा कंट्रोल होता है थ्रोटल वॉल्व से। ये हमारा लगा है बेल क्रैंक लीवर। अब इसकी वर्किंग, ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वर्किंग क्या है इसकी, किस तरह ये फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, स्पीड की फ्लक्चुएशन को किस तरह खत्म करता है। अब सेंटर वाला पार्ट ये है हमारा स्पिंडल, ये हमारी आर्म्स लगी है, ये दोनों हमारे के लिंब्स हैं, ये हमारी फ्लाई बोर्ड्स है, स्लीव, बेवल गियर्स, ये हमारा बेल क्रैंक लीवर है, ये हमारा थ्रोटल वॉल्व। अब जो बेवल गियर्स है, बेवल गियर्स को जो पावर मिल रही है वो इंजन से ही मिल रही है। इंजन की जो आउटपुट शाफ्ट है जिससे हमें पावर मिलती है, उनके साथ ये जो बेवल गियर है ये कनेक्ट की होती है। अब बेवल गियर ने क्या करना है? रोटेट करना है।
इन्हें सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इंजन की आउटपुट इन्हें मिल रही है। अब बेवल गियर्स के साथ क्या कर रहा होगा, सेंटर में स्पिंडल लग रहा होगा। जिस तरह बेवल गियर रोटेट करते हैं उसी तरह हमारा जो स्पिंडल है वो भी रोटेट करता है। बेवल गियर का यही काम है 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करना। अब बेवल गियर्स है वो रोटेट कर रहे हैं, बेवल गियर के साथ क्या कनेक्ट है, स्पिंडल, स्पिंडल भी रोटेट हो रहा है। स्पिंडल के रोटेट होने के साथ, स्पिंडल के साथ क्या अटैच की हुई है हमने, आर्म्स अटैच की हुई है। अब जितनी तेजी से बेवल गियर रोटेट करेगा उतनी तेजी से हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा। स्पिंडल ये सेंटर वाला, ये हमारा क्या स्पिंडल। अब स्पिंडल रोटेट हो रहा है, स्पिंडल के साथ हमने क्या कनेक्ट की हुई है, ये आर्म्स भी रोटेट होंगे। अब होता क्या, जब इंजन पर लोड कम है, इंजन पर लोड कम है इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा, इंजन की स्पीड ज्यादा है, हमारे जो बेवल गियर है वो ज्यादा आरपीएम के साथ रोटेट करेंगे। अब बेवल गियर ज्यादा आरपीएम के साथ रोटेट कर रहे हैं, इनके साथ क्या कनेक्ट है, स्पिंडल है, स्पिंडल भी ज्यादा आरपीएम के साथ रोटेट होगा। स्पिंडल के साथ क्या कनेक्ट है, हमारी आर्म्स। अगर स्पिंडल तेजी से रोटेट हो रहा है हमारी जो आर्म्स है वो भी तेजी से रोटेट कर रही है। अब तेजी से रोटेट होने के साथ क्या होता है, स्पिंडल के साथ क्या अटैच की हुई है हमने, फ्लाई बोर्ड्स। अब आर्म्स जो रोटेट हो रही है, आर्म्स के रोटेट होने के साथ क्या हो रहा है, फ्लाई बोर्ड्स भी रोटेट करेंगे। जब फ्लाई बोर्ड हमारी रोटेट करती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है, जब कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम है, ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेकर जाना। अब फ्लाई बोर्ड्स रोटेट कर रही है, फ्लाई बोर्ड्स के रोटेट होने के साथ हमारी जो बॉल्स है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब जब बोर्ड्स बाहर की तरफ मूव करेंगे इस तरफ, तो ये जो लिंक्स है, लिंक्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्लीव को मूव करेंगे। अब बोल्स क्या कर रही है, तेजी से रोटेट कर रही है, बोल तेजी से रोटेट कर रही है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितनी ज्यादा लगेगी हमारी ये बोल्स है वो उतनी ज्यादा बाहर की तरफ जाएंगे। अब बोल्स बाहर की तरफ जा रही है, इसके साथ आर्म्स के साथ क्या हमारा लिंक कनेक्ट है, लिंक्स ये पूरे, इसको हम बोलते हैं स्लीव, स्लीव कनेक्ट है। अब बोल्स बाहर की तरफ जा रही है, लिंक के हेल्प से जो स्लीव है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। स्लीव ने ऊपर वाली डायरेक्शन में लिफ्ट कर जाना है। जब स्लीव ऊपर वाली डायरेक्शन में लिफ्ट करेगी तो बेल क्रैंक लीवर की हेल्प से हमारा जो थ्रोटल वाल्व है वो बंद हो जाएगा। थ्रोटल वाल्व बंद होने से जो फ्यूल की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा फ्यूल जो है इंजन में जाएगा। अब अगर हम दूसरा केस देखें, समझ लो इंजन के ऊपर लोड बढ़ गया, इंजन के ऊपर लोड बढ़ गया, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होने से क्या होता है, जो हमारे बेवल गियर है उनकी भी स्पीड कम हो जाएगी, आरपीएम कम हो जाएंगे। बेवल गियर के आरपीएम कम हो रहे, स्पिंडल के आरपीएम भी कम हो जाएंगे। स्पिंडल के आरपीएम कम होने के साथ जो ये हमारी आर्म्स लगी हुई है उसकी जो आरपीएम है, उसकी जो रोटेशन है वो कम हो जाएगी। अब आर्म्स के साथ क्या कनेक्ट है, बोल्स। बोल्स जितना ज्यादा रोटेट करेगी उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अब हमारी स्पीड कम हो रही है, स्पिंडल के आरपीएम कम हो रहे हैं, आर्म्स क्या कर रही है, कम स्पीड पर रोटेट हो रही है, हमारी जो बोल्स है वो क्या करेंगी, अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्पीड कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगी, बोल्स क्या कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है इस डायरेक्शन में, इधर। अब बोर्स अंदर की तरफ आएगी, लिंक के हेल्प से हमारी जो स्लीव है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। जब स्लीव नीचे की तरफ मूव करेगी तो बेल क्रैंक लीवर की हेल्प से हमारा जो थ्रोटल वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। थ्रोटल वाल्व ओपन हो गया, थ्रोटल वाल्व ओपन होने से जो ज्यादा फ्यूल है वो इंजन में जाना शुरू हो जाएगा। अब ज्यादा फ्यूल इंजन में जा रहा है तो इंजन फिर से पहले वाली स्पीड मेंटेन कर लेगा, उसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट स्पीड उसने मेंटेन कर ली। वही सेम चीज, जिस तरह स्पीड बढ़ती है बोल्स भी, गियर्स जो बेवल गियर है वो तेजी से रोटेट करते हैं, स्पिंडल तेजी से रोटेट करता है, आर्म तेजी से रोटेट करती है,
बोल्स बाहर की तरफ जाती है, बोल्स बाहर जाएगी, स्लीव ऊपर की तरफ आएगी, स्लीव ऊपर आएगी, थ्रोटल वाल्व बंद हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी। अब लोड बढ़ गया, स्पीड आरपीएम कम हो रही, बेवल रेयर के आरपीएम कम हो रही, स्पिंडल की स्पीड कम हो रही, आर्म्स की स्पीड कम हो रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगी, बोल्स अंदर की तरफ आएंगी, बोल्स अंदर की तरफ आ रही, स्लीव ने नीचे जाना है, बेल क्रैंक लीवर की हेल्प से जो थ्रोटल वाल्व है उसने ओपन हो जाना, ओपन हो गया, फिर से फ्यूल के आ जाए, फ्यूल की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इंजन में फ्यूल ज्यादा जा रहा है, इंजन फिर क्या करेगा, पहले वाली स्पीड मेंटेन कर देगा। इस तरह जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है वो वर्क करता है, कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये तो थी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की वर्किंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है, कोई पार्ट जिसका कोई फंक्शन नहीं पता चला या वर्किंग में अभी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।